नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूटेड इंडिया। आज इस वीडियो से हम एक नई सीरीज की स्टार्ट कर रहे हैं, गार्डनिंग बेसिक्स, जिसके अंदर हम गार्डनिंग के कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक एंड यू नो बहुत ही छोटी छोटी एक्टिविटीज को अच्छे से इलैबोरेट करके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो ये सीरीज बेसिकली जो लोग यू नो गार्डनिंग के साथ में पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अगर कोई बच्चे वगैरह हैं तो ये सीरीज उनके लिए काफी अच्छी रहने वाली है। तो इसके फर्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई नर्सरी से पौधे लेके आते हैं तो आप उनको घर में लाने के बाद में गमलों में कैसे लगाएं। तो बहुत सिंपल है, लाइक अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो इतना सिंपल है, हमें बस थैली हटानी है और उसको गमले में डालना है। बट इस दोनों के बीच में एक और प्रोसेस होता है जो मोस्टली लोग मिस कर देते हैं और इस वीडियो में हम वो प्रोसेस कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको ऑब्वियसली एक पौधा चाहिए जो आप नर्सरी से लेके आए हुए हैं, एक गमला चाहिए जिसमें भी आपको उसको रिपॉट करना है, और बेसिकली एक बाल्टी चाहिए छोटी या बड़ी जिसके अंदर हमें थोड़ा सा पानी चाहिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो नाउ टू स्टार्ट विथ, मेरे पास में एक पाम का पौधा है जो मैं नर्सरी से लेके आई थी। ऑल दैट यू हैव टू डू इज, आपको जो करना है सिंपली कि आप इसकी सबसे पहले थैली हटाने वाले हैं। अगर आपकी थैली बिना कटे हट रही है तो आप कोशिश कीजिए, बट मैंने कोशिश की और वो नहीं हो रहा है, तो आप इसको सिंपली काट के हटाएंगे एंड देन आपको ये पौधा इसके अंदर से बाहर निकालना है। नाउ इफ यू सी, तो ये पूरा ना क्ले सॉइल में है, ये पूरी गीली मिट्टी है क्योंकि ये मिट्टी ग्रे कलर की है। सो दिस इज योर क्ले सॉइल, और क्ले सॉइल ना मोस्टली बहुत हार्ड हो जाती है, तो ये रूट्स को एकदम जकड़ के रखते, यू नो इट जस्ट कीप द रूट्स वेरी बाउंडेड। तो क्या करना है, इस अगर आप इस मिट्टी को ऐसे ही निकालने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं निकलेगी, इसलिए आपको इसको, इसके लिए हमें पानी की बाल्टी रिक्वायर्ड थी, आप इसको पानी की बाल्टी में रखने वाले हैं। अगर ये आपकी क्ले सॉइल बहुत ज्यादा हार्ड होगी तो आपको कम से कम इसको एक दिन तक पानी में रखना पड़ेगा, या फिर 12 घंटे या फिर कुछ घंटे। तो मैंने इसको अभी पानी में रखा है, तो लेट्स सी कि ये कहीं ना कब तक इसकी मिट्टी ढीली होती है। और आप इस क्ले सॉइल को अलग रख सकते हैं, मैं ये क्ले सॉइल से मैंने लास्ट टाइम गणेशा जी बनाए थे, अभी मैंने इससे राखीज भी बनाई है, और मतलब यू नो आप इस क्ले सॉइल को किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस क्ले सॉइल को आप अलग रखिए, इसको आपको मिट्टी में मिक्स नहीं करना क्योंकि ये मिट्टी को बहुत हार्ड बना देती है, और इसी की वजह से गमले में पानी बहुत ही इजीली नीचे की तरफ नहीं जा पाता, तो हमारी सॉइल वेल ड्रेनिंग नहीं बन पाती। एंड देन पानी में से आपको बहुत धीरे धीरे एकदम हल्के हल्के हाथों से ये ऐसे पार्ट्स निकलने लग जाएंगे, तो आपको बहुत ही हल्के हल्के हाथों से, मैं बिल्कुल नहीं तोड़ रही हूँ, मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं लगा रही हूँ, और ये जो भी पार्ट्स निकल रहे हैं आपको बस वो सिंपली निकालना है। आपको बस कोशिश करना है कि थोड़ी बहुत साइड में से निकल जाए ताकि जो साइड की रूट्स है वो बाकी गमले में फैल पाए, और अगर बीच में से पूरी नहीं निकलती है तो हम बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे। इसको रखे हुए इसके अंदर ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हो चुके हैं, एंड इफ यू विल सी कि ये क्ले सॉइल अपने आप ही अलग हो गई है, मैंने बिल्कुल भी खींचा तानी नहीं किए इसके साथ, और इसे ये बहुत बड़ा पार्ट ये नीचे का अपने आप ही अलग आ गया है। ओके, इनको थोड़ी देर और पानी में रहने देते हैं एंड देन टिल देन हम इस पॉट को खोदने वाले हैं। बेसिकली इसकी जो मिट्टी है थोड़ी सी बाहर निकालनी पड़ेगी इनको अंदर डालने के लिए। नाउ मैं इसके अंदर थोड़ी सी और मिट्टी क्योंकि आप जब पानी डालोगे तो इसकी मिट्टी वैसे भी थोड़ी सी अंदर जाने वाली है क्योंकि वो मिट्टी पर दब जाती है पानी के साथ, एंड देन ये थोड़ी सी खाद। लास्टली मैं इसको पानी देने वाली हूँ, और
पानी देते वक्त ही अपने हाथ गमले में धो लीजिए, पानी कम वेस्ट होगा। और आपको इसको अच्छे से पानी देना है ताकि जहाँ जहाँ पे मिट्टी बैठ रही है आप वहाँ पे फिर वापस से पानी दे पाए और मिट्टी डाल पाए। सो यस, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल था तो प्लीज़ आप शेयर करिए अपने और दोस्तों या फिर बहन भाइयों के साथ में जिनको गार्डनिंग पसंद है, या फिर फैमिली में किसी के भी साथ। और कमेंट में मुझे नीचे बताइए कि आपको और कौन से गार्डनिंग बेसिक्स वीडियोस देखने हैं, कि कोई भी ऐसा गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आता। सो आई विल ट्राई एंड यू नो विल मेक वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स। इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ जस्ट लाइक द वीडियो, उससे मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो कितने लोगों के लिए हेल्पफुल था। एंड आई विल अगेन सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी वेरी सून। टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय।